सीएम केसीआर के बेटे केटीआर की बड़ी मुश्किल। कांग्रेस ने की शिकायत, चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। आगामी 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। इस बीच सीएम केसीआर के बेटे केटीआर को कांग्रेस ने मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने केटीआर पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केटीआर पर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। केटीआर पर कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए? केटीआर पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक सरकारी संस्थान के ऑफिस का दौरा किया और वहां चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की चुनाव आयोग को दी गई शिकायत के मुताबिक रामा राव ने 20 नवंबर को टी वर्क्स, जो कि एक सरकारी संस्थान है, के ऑफिस का दौरा किया और बड़ी संख्या में वहां काम कर रहे युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि रामा राव न केवल आगामी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, साथ ही बीआरएस पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। चुनाव आयोग ने भी माना है कि केटीआर ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मामले को लेकर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तेलंगाना में चुनाव के चलते लगी है आचार संहिता। बता दें कि किसी भी राज्य में चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है। यह आचार संहिता इलेक्शन खत्म होने तक जारी रहती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को चुनावी तारीखों का ऐलान किया था, जिसके चलते तेलंगाना में आचार संहिता लागू है। 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों में मतगणना होगी और चुनावी नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी। क्या होती है आचार संहिता? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन स्तर पर कई बदलाव हो जाते हैं। राज्यों और केंद्र के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। सार्वजनिक धन के पर्सनल प्रयोग पर पूरी तरह रोक लग जाती है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास आदि पर रोक, सरकारी संपत्ति का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, रैली जुलूस या चुनावी सभा करने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।